तो फाइनली यहाँ मेरा मटन थाली लगने जा रहा है, देखते हैं लोग थाली में क्या क्या देते हैं क्या क्या नहीं। तो हाँ जी दोस्तों, मैं हूँ शुभम और इस वक्त मैं आया हूँ और एक नया मटन डेस्टिनेशन के लिए। हाँ जी, अभी आप लोग बोलोगे कि बैक टू बैक मटन ही मटन दिखा रहे शुभम, तो एक्चुअली यहाँ तो मेरा बहुत दिनों से प्लान था आने के लिए, लेकिन जैसे कि आप लोग देख रहे हो मैं ज़्यादा तो टाइम आउट ऑफ स्टेट ही रहता हूँ, तो मैं आ नहीं पाता हूँ। तो आज फाइनली मेरे को मौका मिला है, मैं इधर आया हूँ। वो भी 1 बजे आने का प्लान था लेकिन अभी 2 बज चुका है। और यहाँ आने का रीज़न यह है कि हम लोग तो डेली बेसिक में मटन चिकन खाते हैं, लेकिन वहाँ इतना कम प्राइस में मटन मिल रहा है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब 110 रुपया में वहाँ पर आपको अनलिमिटेड मटन थाली मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो ये रहा भाई होटल आज का। तो ऐसा तो होटल का कुछ नाम तो है कुछ शायद, क्या हंडी साड़ा जो भी है। बाकी मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ, देख लो भाई ये रहा भाई मटन, देख रहे हो ये रहा उनका मटन जो कि आपको 100 रुपये में, सॉरी 110 रुपीज़, मतलब 110 रुपये में आपको मटन थाली मिल जाएगा। इधर लोकेशन देख लो, ये रहा भाई IGKC हॉस्पिटल, इसी का बिल्कुल सामने में आपको देखने को मिल जाएगा वाला होटल। बाकी अभी होटल के अंदर में चलते हैं, इनको बोलते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं। तो सबसे पहले आप लोग देख लो, ये कुछ सब्जी है, हमारा लैंग्वेज में तो इसको डालमा ही बोलते हैं, बाकी इसको छोड़ के और इसको तो साग बोलते हैं। साग भी है और भी देखते हैं, तो ये मिक्स वेज भी है। अच्छा, ये भी एक, इसको भी एक भाजी बोलते हैं, ये भी है। इधर चटनी भी है और बाकी आज इधर सब कुछ है, अंडा मटन चिकन सब कुछ है। अच्छा, ये क्या है? चुंगड़ी घंटा। अच्छा, इसको घंटा बोलते हैं हम लोग का लैंग्वेज में। और ये रहा भाई मच्छी और इधर मटन। बाकी ठीक है, मैं उनको बोल देता हूँ मेरे लिए एक मटन थाली लगाइए, बाकी देखते हैं मेरे को थाली में क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं। अगर आप मटन मिल ले रहे हो ना, राइस मिलेगा तो उसके साथ सलाद भी रहेगा और अभी मटन भी लगेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि पीस आप लोग एक बार देख लो, छोटा बड़ा सब मिला के ही देते हैं लोग। और सेकंड टाइम शायद ग्रेवी और आलू मिलेगा मेरे ख्याल से मिलना। तो फाइनली मेरा मटन थाली लग चुका है, मटन सॉरी राइस मटन, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्रेवी बोला था मैंने, और एक मच्छी का घांट बोलते हैं ये। एक्चुअली मैंने उनको बोला ये मटन थाली में नहीं है, मैं बोला मेरे को चाहिए वो दे दिए, इसके लिए अलग से प्राइस, इसके लिए अलग से मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा आई डोंट नो, वो लास्ट में मैं आपको बताऊँगा। बाकी सलाद और प्याज, बाकी लेट नहीं करेंगे, इसको शुरू करते हैं खाना। और एक खाना रिव्यू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, देखो भाई 100 रुपये में मटन मिल रहा है तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना भी गलत है मेरे ख्याल से। चलो अभी सबसे पहले ना मटन में, मटन का ग्रेवी भाई सब गर्म है यार, मटन का ग्रेवी, थोड़ा सा आलू ऐड करेंगे। देख रहे हो भाई ऐड कर लिया, अभी इसका फास्ट बाइट लेते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो अदरक है ना, अदरक थोड़ा सा ज़्यादा ऐड हो गया, और जो मसाला है ना, हम लोग जब मसाला फ्राई करते हैं ना, और थोड़ा सा मसाला फ्राई होना चाहिए था। भाई मटन पीस एक बार देखते भाई, मटन पीस पीस अच्छे से बॉयल नहीं हुआ है, तो मेरे ख्याल से मटन का जो पीस है ना ये थोड़ा सा अच्छे से बॉयल भी होना चाहिए था। बाकी देखते हो अभी ये जो घांट मिला है ना, घांट का रिव्यू करते हैं। ये अच्छा लग रहा है, इसमें छोटा छोटा प्रॉन भी है और सारी की सारी वेजिटेबल पीस सब्जी के अंदर में है, तो आपको ये सब भी देखने को मिलेगा अगर आप ये ले रहे हो तो। मच्छी का घंट, मच्छी तो आपको मिलेगा उसके साथ वेजिटेबल भी मिलेगा, लेकिन मटन का ग्रेवी जो मैंने सोचा था कि थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए लेकिन ये अच्छा नहीं है उतना। बाकी पीस आप लोग देख सकते हो, साइज पीस का मीडियम साइज का पीस मिला है। यार देख लो आप लोग, मेरा हालत बिल्कुल ख़राब हो चुका है, पूरा पसीना ही पसीना हो चुका है। बाय द वे आप लोग देख लो मेरा थाली को, थाली देख के आप लोग आइडिया का अंदाज़ा लगा सकते हो
मैंने सेकंड टाइम कुछ भी रिपीट नहीं किया, बाकी एनवायरमेंट कुछ ऐसा है, कुछ लोग वहाँ बैठ के खा रहे हैं, देख सकते हो आप लोग। बाकी मैं हैंड वॉश करके आप लोगों के साथ बात करता हूँ। और भी एक इम्पोर्टेंट बात, अपना प्लेट आपको खुद लेके आना पड़ेगा, वो लोग नहीं लेके आएंगे, बस आप लोग वहाँ लेके रख लो, बाकी साफ़ सफाई तो वो लोग कर लेंगे। बाकी इधर पानी हैंड वॉश करने के लिए आप लोग देख भी सकते हो, वहाँ साबुन ना कोई हैंड वॉश कुछ भी नहीं है, तो इस चीज़ का। तो हाँ जी देख लो, खाना पीना मेरा हो चुका है कंप्लीट, बाकी वहाँ से निकलता है। बाकी जाने से पहले मैं आप लोगों को और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा टाइमिंग के बारे में। अच्छा आप लोगों को टाइमिंग कितने डर होगी? 11:30 जयपुर अच्छा। अच्छा इनका जो टाइमिंग है होटल का तो लगभग सुबह का 11:30 से लेके, तो मैम तो बोल रहा है कि 2-3 घंटे के अंदर ही पूरा खाली हो जाता है। फिर ठीक है अभी यहाँ से निकलते हैं, बहुत जोर का मेरे को गर्मी लग रहा है, फिलहाल वहाँ से निकलते हैं। तो ऑल राइट देख लो, मैंने लंच कंप्लीट करके ना आ गया भाई को लेने के लिए कॉलेज से। बहुत गर्मी है आज, गर्मी का तो बहुत ही यार, मतलब हद से ज़्यादा गर्मी, बहुत बहुत। अभी देखना अभी ये लोग क्या सोचेंगे कि सुबह हम जब घूम रहे हैं राम के साथ, ठीक है, नहीं तो जब खाने के लिए जा रहे हैं अकेला जा रहे हैं, वो लोग यही सोचेंगे। अरे ना ना, मेरा तो क्लास था, एक ही क्लास था, वो तो हो गया, और क्या करें, क्लास के टाइम कहाँ खाने जाऊँगा। मैं आज गया था वो जो 110 रुपये वाला मटन है ना, वो जो आई जी के हॉस्पिटल फ्रंट में, वहाँ पर ही गया था। देखो भाई वन वर्ड रिव्यू दे रहा हूँ, मटन बिल्कुल भी अच्छे से बॉयल नहीं हुआ था, तो उनको अच्छे से मटन बॉयल करना चाहिए था। कितना पीस दे रहा है? 3 पीस मेरे को, लेकिन 4 पीस दे रहा था शायद कैमरा दिख के, लेकिन बाकी मेरा फ्रंट में एक बंदा बैठ के खाया, उनको 3 पीस दिया, मेरे को पीछे में खुद ही आके बोल रहा है कुछ चाहिए, मैं बोला भाई तू रहने दे, कुछ नहीं चाहिए मेरे को, तो सोचा शायद कैमरे के वजह से। बाकी आप लोग टेस्ट कैसा था? 10 से 3 लोगों का। मैं इतना कम क्यों? देखो 100 रुपया ले रहा है ठीक है, लेकिन 100 रुपया भी पैसा है, थोड़ा सा अच्छा से देना चाहिए था। 110 ले रहा है, मैं 100-100 क्यों बार बार बोल रहा हूँ, 110 ले रहा है वो, क्या करें। ग्रेवी भी ठीक नहीं था, लाइक वो जो मसला है ना, हाँ, वो और थोड़ा सा फ्राई होना चाहिए था, अच्छे से फ्राई भी नहीं हुआ था, तो एक पॉइंट। लहसुन वगैरह का पूरा टेस्ट आ रहा था, टेस्ट आ रहा था पूरा, बिल्कुल मसाला थोड़ा सा करना चाहिए था, ऑयल में फ्राई करना चाहिए था। मुझे क्या लग रहा है बोल दो, मुझे लग रहा है वो हरबड़ी में बना दिया, वो भी है वीकेंड है ना थोड़ा। हाँ वो, लेकिन अबे मुझे तो लग रहा है वो सैटरडे है ना, मुझे लग रहा है वीकेंड की वजह से ज्यादा भीड़ है। नहीं भीड़ तो ठीक ठाक ही था, फिर भी जो भी है कोई नहीं, ये सेकंड टाइम बना हुआ, सेकंड टाइम खत्म हो गया, वो मेरे को वही बोला ये सेकंड टाइम, इसीलिए वो मतलब कस्टमर देख के वो हरबड़ी में बना दिया, इसीलिए थोड़ा मुझे लग रहा है टेस्ट नहीं आया। मैं एक बार खाया था, अच्छा मतलब चलेगा, 10 में से मैं 5 दे सकता हूँ। हड़बड़ी में मटन अच्छे से बॉयल नहीं हुआ था, देखो मटन क्या होता है ना, अगर मटन सॉफ्ट नहीं रहेगा ना तो फिर खाने के लिए मज़ा नहीं आता है, मतलब मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन देता हूँ, बाकी किसको क्या पसंद है आप लोगों को। तो मेन भाई उसका ग्रेवी है, बिल्कुल ग्रेवी और आलू, उसमें अगर टेस्ट नहीं है तो भाई मटन में, मटन खाने का कुछ फायदा, बॉइलिंग से बॉइल खा के क्या होगा, क्या है। तो देख लो वो मटन वगैरह खाने के बाद ना मैं जाके रेस्ट ही कर रहा था, सुहा था तो नहीं, नींद से नींद ही नहीं आ रहा था, लाइक मैं जाके ऐसे ही सुहा था हम दोनों ही। और अभी हम लोग निकल रहे हैं कभी घूमने के लिए, और इवनिंग को एक बढ़िया सा प्लान है, वो तो आपको खैर नेक्स्ट वाला ब्लॉग में पता चलेगा। और अभी मैं आपको वेदर दिखाता हूँ, आप लोग वेदर देखो एक बार, बारिश आ गया ना, बेंगलुरु का वेदर अभी भुवनेश्वर को आ गया, बारिश आ गया, लेकिन लग रहा है कि बारिश नहीं होगा, मतलब भुवनेश्वर में भाई लग तो रहा है, देखते हैं क्या होता है। वेदर तो सडन चेंज हुआ, मॉर्निंग में तो बहुत धूप था, मॉर्निंग का तो धूप भाई तगड़ा वाला धूप था यार, तगड़ा वाला धूप। देखो अभी फाइनली ना हमारा खाना आ चुका है, प्रॉन है, ठीक है जल्दी सबको खत्म करते हैं। वाला देख लो वहाँ से ना, वो पकड़ा वगैरह खाकर, स्टिक वगैरह खाकर हम लोग कैसे आ गए थे ऐसे पार्क में बैठने के लिए, और देखते देखते कब अंधेरा भी हो गया वो भी पता नहीं चला। ये पार्क पूरा डेवलपमेंट हो चुका है ना पहले से, तो वही अभी हम लोग जा रहे हैं कमल का जगह, उसका आपको नेक्स्ट वाला ब्लॉग में पता चल ही जाएगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं क्या नहीं। तो काम करते हैं, और हाँ और एक बात, रावा तुलसी का टेस्ट का तो भाई टेस्ट में बताऊँ बहुत ही बढ़िया था, लाइक जैसे होना चाहिए,
बिल्कुल ऐसा ही था। अभी हम लोग जा रहे हैं कमल का जगह पे डिनर करने के लिए। ऐसे डिनर का टाइमिंग नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा टाइम के बाद जाएंगे, वो आपको नेक्स्ट वाला ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। तो काम करते हैं वाला ब्लॉग को यहीं पे एंड करते, तो वही हमेशा की तरह एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लेना। मिलता है अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।